में भी चलो ना शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ चलेंगे सर, ज्यादा फिर चलेंगे। ठीक है, आप हमेशा ऐसा करते हो, एक काम करते हो, कुछ खाने चलते हैं, भूख लगी। ठीक है चलेंगे, पर फैमिली आने दो। आप हमेशा ऐसे करते हो, मुझे भूख लगी है। तुम्हारी सेविंग्स हो गई ना, आओ चलो चलते। नहीं, मेरे पैसे नहीं खत्म करने। अरे अरे, मेरी गर्लफ्रेंड को कहाँ लेके जा रही है? ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ साहब, वो चोर थी। हाँ बहुत शातिर चोर थी, उसने पहले मुझे रस्सी से बांधा, उसके बाद तुम्हें लेके गई। उसे डर था तुम्हें कुछ करना दे। चलो बाबू, हम शादी कब कर रहे हैं? कब कर रहे हैं बोलो तो, अभी कर लेते हैं। मैंने तो मेरे पंडित से बात भी कर रखी है कि मेरा बाबू सो ना जब बोलेगा हम तब शादी कर लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन हम मंदिर में शादी नहीं करेंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज? तुम्हें पता तो है कोर्ट मैरिज में कितनी दिक्कत होती है, कभी इसके साइन कभी उसके साइन, बहुत भागा दौड़ी होती है और उसमें बहुत टाइम भी लगता है। मैंने अपने पंडित से बात कर रखी है, हम लोग जल्दी से शादी करेंगे, आधे घंटे में सारा कार्यक्रम खत्म और उसके बाद हम दोनों जन्म जन्म के लिए एक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम मंदिर में शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे। और आप बाकी चीजों की टेंशन मत लो, मेरा एक फ्रेंड है वो सारी सेटिंग करवा देगा। ठीक है, और हमारी कोर्ट मैरिज हो जाएगी तो हमारे पास एक लीगल सर्टिफिकेट होगा, जिससे हमारे पेरेंट्स भी मना नहीं कर पाएंगे शादी के लिए। हम शादी कर लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। क्या हुआ, आप इतने सैड क्यों हो? देखो मनीषा, अगर तुम्हें कोर्ट में शादी करनी है तो फिर आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्यों? ये मेरी माँ का सपना था। क्या बोले? तुम्हारी माँ का सपना? हर लड़कियों को तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से कितनी लड़कियां जवानी में अपनी जान गवा देती है। इस लड़की की विलायत तुम खराब करना चाह रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने मेरी बहन के साथ जो किया सो किया, लेकिन अब किसी और लड़की को मैं बलि का बकरा नहीं बनने दूंगी। तुम्हारी शक्ल पे सिकन तक नहीं है, तुम्हारी वजह से वो लड़कियां न जी सकती है न मर सकती है। लेकिन बहुत हुआ, अब मैं और भी किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें बोला था ना बहन, छोड़ो मेरा हाथ, क्या बदतमीजी है। देखो मेरी बात सुनो, वो लड़का आने ही वाला है। बात ऐसी है कि जिस लड़के के साथ तुम डेट कर रही हो वो लड़का अच्छा नहीं है, वो मेरी बहन से भी प्यार करता था, और मेरी बहन तो छोड़ो ना जाने कितनी लड़कियों से प्यार करता था, और सबसे प्यार करके मंदिर में शादी करके छोड़ देता है। क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बोलोगी और मैं मान लूंगी? बहन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बातों पे भरोसा करो। मैंने अपनी बहन को खोया है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो तुम उस लड़के से बोलना कि वो तुमसे कोर्ट मैरिज करे। अगर वो कोर्ट मैरिज करने से इनकार कर देगा, समझना कि मेरी बहन की तरह वो भी तुम्हें उसी हालात में छोड़ देगा, और फिर तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन उस टाइम तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, अब तो समझ आ गया ना कौन सही है कौन गलत है। ये हर लड़की के साथ मंदिर में शादी इसलिए करता है ताकि कोई भी सबूत इसके खिलाफ ना हो, और जो वीटनेस होते हैं उसको ये पैसों के दम पे खरीद लेता है। बहुत हुआ, अब तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर पाओगे। मनीषा ये झूठ बोल रही है। मुझे कितना भरोसा था तुम पे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हो। और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही सच बता दिया था तुम्हारे बारे में। मुझे यकीन नहीं हुआ था जब इन्होंने बताया था, मैं खुद देखना चाहती थी तुम सच में इतने गिरे हुए इंसान हो। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें किसी बात के लिए क्यों नहीं बोलती थी? आज तक मैंने शादी के लिए भी इसीलिए नहीं बोला था, मुझे लगा था तुम सेटल हो जाओगे, खुद ही शादी कर लोगे, और जहां भरोसा होता है ना वहां कभी शक नहीं होता, इसलिए मैंने तुम पे आज तक शक नहीं किया। और हां, जब इन्होंने मुझे बताया था तब भी मैंने यकीन नहीं किया था, लेकिन तुम सच में किसी के लायक नहीं हो। तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी, तुम्हें शर्म नहीं आती है जरा सी भी? और हाँ, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें। सॉरी बहन, मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्तों में दरार आ गया। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, आपने तो मेरी लाइफ बचा ली, नहीं तो वो ना जाने शादी के बाद मुझे छोड़ देता, फिर मुझसे कौन शादी करता, कौन अपनाता मुझे, कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी। आपने अपनी बहन को खोया है, ना जाने कितनी फैमिली ने अपनी बेटियों और बहनों को खोया होगा। अच्छा हुआ वो मेरी लाइफ से चला गया। बहन मैंने आपको इसलिए बचाया ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति मिल सके, आज वो जहाँ भी होगी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसलिए बहन मैंने आपकी जिंदगी बचाई। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ।